रिच विद मिनरल, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज मैं वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि है अंडर आई डार्क सर्कल्स एंड अंडर आई बैग्स के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड ये वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। अंडर आई डार्क सर्कल्स और अंडर आई बैग्स क्यों आते हैं, उसका मेन रीज़न क्या है? हमारे स्किन में कोलेजन होता है, जो कि सर्टेन एज के बाद और टाइम कम होते जाता है, एंड अपनी जो स्किन होती है वो थिन होती जाती है। उसके कारण डार्क सर्कल्स और अंडर आई बैग्स दिखना स्टार्ट हो जाता है। और सेकंड रीज़न तो सबको ही पता है, स्ट्रेसफुल लाइफ, टेंशन या लैक ऑफ स्लीपनेस के वजह से अंडर आई डार्क सर्कल आ ही जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि कोलेजन क्या होता है। कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, स्पेशली इन बोन्स, हेयर्स एंड लिगामेंट्स, टेंडन्स में। और अब हम जैसे जैसे कॉन्टैक्ट में आते हैं सन के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा रहने के कारण ये जो कोलेजन का ब्रेकिंग प्रोसेस है वो बढ़ जाता है, कोलेजन कम होते जाता है। तो इसके लिए जब भी आप बाहर निकलो घर से या सन के कॉन्टैक्ट में रहते होंगे ज़्यादातर, तो सन प्रोटेक्शन ज़रूर यूज़ कीजिए। अब हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स और अंडर आई बैग्स को कैसे क्योर किया जा सकता है अपनी होम रेमेडीज यूज़ करके। तो फर्स्ट है कोल्ड कॉम्प्रेस्ड टेक्निक। कोल्ड कॉम्प्रेस टेक्निक में अगर आपके पास आई मास्क हो तो सबसे बेटर है, आप उस मास्क को फ्रिज में रखिए 30 मिनट्स के लिए, एंड देन उसको निकाल के मॉर्निंग और इवनिंग 2 times a day आप उसको आँखों के ऊपर रखिए 10 मिनट्स के लिए। ये सबसे इजीएस्ट वे है अपना डार्क सर्कल्स कम करने के लिए। सेकेंड है कुकुम्बर स्लाइसेस। आपने हमेशा टेलीविजन या फिल्म्स में देखा होगा या सलून में देखा होगा कुकुम्बर स्लाइसेस आंखों के ऊपर रखते हैं, तो क्या ये सही में वर्क करते हैं? तो हाँ, साइंटिफिकली देखा जाए तो कुकुम्बर स्लाइसेस सही में डार्क सर्कल्स कम करने के लिए फ़ायदेमंद है। कुकुम्बर स्लाइसेस में माइल्ड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है एंड स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टी है, उसके कारण आपको उस डार्क सर्कल्स कम करने के लिए हेल्प करता है। आप थिक कुकुम्बर स्लाइसेस कट कीजिए एंड उसको 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखिए, उसके बाद आफ्टर 10 मिनट्स के लिए अपने आंखों के ऊपर रखिए, और उसके बाद आफ्टर 10 मिनट्स आप अपने आंखें वार्म वाटर के साथ वॉश कीजिए। थर्ड है कुकुम्बर जूस प्लस लेमन जूस। कुकुम्बर जूस और लेमन जूस दोनों को मिक्स कीजिए एंड अपने आप कॉटन बॉल्स के साथ इस सॉल्यूशन को अपने आंखों के ऊपर 15 मिनट्स के लिए लगा के रखिए। फोर्थ है रोज़ वाटर। लाइक कुकुम्बर, रोज़ वाटर ऑल्सो कंटेन माइल्ड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, सो रोज़ वाटर एज अ स्किन टोनर आप यूज़ कर सकते हो। आप कॉटन बॉल्स लीजिए एंड उसमें रोज़ वाटर में डिप करके उसको अपने आंखों के ऊपर 15 मिनट्स के लिए लगा के रख सकते हो, या आप डेली किया तो ज़्यादा फायदेमंद होता है डार्क सर्कल को कम करने के लिए। फिफ्थ है टोमेटो। टोमेटो में हाईली लिकोफिन प्रेजेंट होता है, तो आप ये जो लिकोफिन है वो स्किन के लिए और विजन के लिए बहुत यूज़फुल होता है। इसके लिए आप टोमेटो जूस लीजिए 50% एंड 50% लेमन जूस लीजिए, दोनों को मिक्स करके फिर उस सॉल्यूशन में आप कॉटन बॉल्स डिप कीजिए एंड वो कॉटन बॉल्स फिर आपके आंखों के ऊपर 10 मिनट्स के लिए रखिए। आफ्टर दैट आफ्टर 10 मिनट्स आप उसको वार्म वाटर के साथ वॉश कीजिए। सिक्स है टी बैग्स। तो आप टी बैग्स ले सकते हो, उसमें ग्रीन टी ले सकते हो। ग्रीन टी इज़ अ ग्रेट एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो आपके स्किन के लिए अच्छा होता है। तो आप टी बैग्स को क्लीन वाटर में डिप करके रखिए और आफ्टर दैट आप उसको रेफ्रिजरेट कीजिए 30 मिनट्स के लिए। देन आफ्टर 30 मिनट्स आप ये टी बैग्स अपने आँखों के ऊपर 10 मिनट्स के लिए रखिए, उसके बाद आप अपने आँखें वार्म वाटर के साथ वॉश कीजिए। सेवन है पोटैटो। पोटैटो इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी, जो आपके स्किन को और कोलेजन सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है। कोलेजन सिंथेसिस अच्छा ग्रेट होने के कारण आपकी स्किन हेल्दियर और यंगर दिखना स्टार्ट होता है।
तो आपकी अंडर आई बैग्स कम करने के लिए पोटैटोज हेल्पफुल रहते हैं। आप पोटैटो का जूस एक्सट्रैक्ट कीजिए एंड उसको आप कॉटन बॉल्स में डिप करके फिर वो कॉटन बॉल्स आप अपने आंखों के ऊपर 10 मिनट्स के लिए अप्लाई कीजिए। आप ये होम रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर लिया कीजिए एंड वो सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।